स्वागत है आपका द मोबाइल इंडियन में और आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड 2018। आज जिस ब्रांड की बारी है वो है माइक्रोमैक्स और इस रिपोर्ट को पेश करेंगे मेरे साथ फैजल और रोहन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल रहते हैं कि माइक्रोमैक्स ने इस साल कौन कौन से हैंडसेट्स लॉन्च किए। कुल मिला के माइक्रोमैक्स ने इस साल 9 स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च किए, उनमें से एक था यू ब्रांडेड फोन। और यहाँ पर ये सवाल उठता है क्योंकि फोन्स तो काफ़ी कम लॉन्च हुए, ये एकदम पुराना वाला माइक्रोमैक्स नहीं लग रहा है, आपको क्या लगता है? इन सबसे पहले बात कर रहे थे सबसे अच्छा हैंडसेट कौन सा था इनका? टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई ऐसा बहुत अच्छा कोई हैंडसेट लगा नहीं, बट हाँ मतलब अगर हम देखें कि कौन ज़्यादा बिका वो प्राइमरली था बिकॉज ऑफ द छत्तीसगढ़ डील, तो उसमें हाँ भारत सीरीज़ के आई थिंक अ कपल ऑफ हैंडसेट जो उन्होंने उधर ऑफर किए थे जी, उन्होंने अच्छा खासा नंबर सेल किया, 5 मिलियन का ऑर्डर था, तो उस वजह से उसी को नंबर वन कहा जा सकता है। अदरवाइज मुझे तो इस साल कोई अच्छा फ़ोन उनका लगा नहीं। राइट, रोहन आपके हिसाब से क्या था उनका बेस्ट फ़ोन? बेस्ट तो माइक्रोमैक्स से कुछ मतलब कह नहीं सकते कि ये फ़ोन उनके लिए बेस्ट था या उनकी बेस्ट ऑफरिंग थी, क्योंकि हमने माइक्रोमैक्स के पहले भी बहुत सारे डिवाइसेस देखे हैं जो एक काफ़ी अच्छा एक टाइम पे स्टैंडर्ड सेट कर चुके थे वो जी, लेकिन इस टाइम इस साल कुछ ऐसा कोई खास डिवाइस लगा नहीं कि जिसको देख के ये लगे कि हाँ ये एक माइक्रोमैक्स का कमबैक फ़ोन बन सकता है, तो वो मिसिंग था मेरे हिसाब से। राइट, मेरे हिसाब से भी इस साल एक्चुअली अभी तक कोई मेजर धमाल नहीं हुआ, लेकिन अभी रिसेंटली ही एक दो दिन पहले ही माइक्रोमैक्स ने 2 नए फ़ोन अपने लॉन्च किए हैं जो बेस्ड है मीडियाटेक हीलियो P22 चिपसेट पे। उनके बारे में अभी कहना बहुत जल्द हो जाएगा, अभी हमने डिवाइस खाली देखे हैं, कंज्यूमर का फीडबैक भी अभी तक हम जमा नहीं कर पाए हैं। सो मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ माइक्रोमैक्स के लिए अच्छी गई थी हैंडसेट्स के मामले में, UAs। नंबर्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता इस समय, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उस फोन ने कम से कम ये मार्केट ने बोल दिया था कि माइक्रोमैक्स अभी भी लाइव एंड किकिंग है, हैंडसेट लीडी करने के लिए तैयार है। सो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, फैजल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके हिसाब से माइक्रोमैक्स लिख के आ रहे 2018 में? मुझे लगता है वही, अगर वो डील नहीं हो पाती तो डेफिनेटली माइक्रोमैक्स की पोजीशन और भी थोड़ी वीक हो जाती, तो फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू मुझे वही उनका एक अच्छा पॉइंट दिखता है इस साल जो हुआ उनके लिए जी। बाकी एज सच कोई नथिंग ग्रेट फ्रॉम देम दिस ईयर। राइट, रोहन आपके हिसाब से प्लस पॉइंट अगर माइक्रोमैक्स की बात करें 2018 के लिए तो एज सच कुछ ज़्यादा खास नहीं था, जैसे हम बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको सोचने के लिए, बहुत सोचना पड़ रहा है मैं, बट अगर टू नेम अ फ्यू की जो उनके जो उन्होंने फोकस रखा अपना भारत सीरीज पे कि चलो अब एक एंट्री लेवल पे ही हम केटर करेंगे, हम उससे ऊपर नहीं जा रहे और जो अपग्रेड करेंगे उनको एक अच्छा फ़ोन दे सके, वो जो उन्होंने पहल थी वो एक अच्छी बात थी, बट उतना कारगर नहीं हुआ जैसे हमने कई रिपोर्ट्स भी देखी थी, हमारे पास रिपोर्ट्स भी आई थी कि छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने तो टाई अप किए थे जो भारत गो के जो फ़ोन्स उन्होंने बेचे थे उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी हैंग हो रहे थे, बैटरी में इश्यूज़ थे, फ़ोन में इशूज़ थे, तो वो अगर उसको साइडलाइन कर दे तो एज सच कोई बड़ा मेजर प्लस पॉइंट रहा नहीं है एक्सेप्ट दैट डील जो छत्तीसगढ़ के साथ थी, बट उसके अलावा तो कुछ है नहीं। मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स के लिए प्लस पॉइंट सिर्फ एक ही था कि पहले 3 क्वार्टर ऑलमोस्ट शांत रहने के बाद 4th क्वार्टर में जब उन्होंने अपना डिवाइस लॉन्च किया यूएस,
तब उनने काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट दिए कि हम मार्केट में वापस आ गए हैं, हमने जो पहले लॉन्चेस के बीच में डिले था वो इश्यूज थे हमारी कंपनी में, हमने सॉर्ट आउट कर लिए हैं, लेकिन हमारे लिए हम एक चीज़ की सिर्फ कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम कंज्यूमर्स को डिवाइसेस देते रहेंगे, अच्छी अच्छी डिवाइसेस देते रहेंगे, लेकिन बस स्टेटमेंट फॉरवर्ड लुकिंग था, क्योंकि जब तक वो चीज़ अमल में नहीं आएगी उसके बारे में कुछ भी कहना बेमानी है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं, डाउनसाइड क्या रहा माइक्रोमैक्स 2018 में? एक डाउनसाइड जो मुझे दिख रहा है, मतलब अदर देन प्रोडक्ट और ये सब, विच इज़ थोड़ा इंटरनल मैनेजमेंट यू नो इश्यूज, अलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स, उसकी वजह से ऑब्वियसली जब यू नो टॉप ब्रास इन ऑर्डर ना हो तो कंपनी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो मुझे एक दिखा 2018 में, रहा उनका थोड़ा इधर उधर फोकस होता रहा, ये होता रहा, बट उसका एक प्लस पॉइंट भी है कि आई थिंक बाई नाउ वो सब सेटल डाउन हो गया है, तो 2019 प्रोबेबली दे माइट बी मच फोकस्ड। राइट, आपको क्या लगा नेगेटिव पॉइंट? नेगेटिव पॉइंट ये बोलेगी माइक्रोमैक्स काफ़ी कंफ्यूज लगा इस साल कि मतलब काफ़ी कंफ्यूजन थी, मतलब अगर कंपनी के अंदर ही बोले या बाहर बोले कि क्या चाहिए ये डिवाइस लॉन्च करें, क्योंकि काफ़ी डिवाइस उनके थे पाइपलाइन में जो कभी बाहर नहीं आए, और जो लॉन्च हुए भी वो वाज लाइक कि एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लॉन्चिंग अ फोन, कि बस हमें ये बताना है कि हम मार्केट में हैं, अभी हम गए नहीं हैं, बस अगर वो शो करने के लिए आप फोन लॉन्चेस आपने किए इस साल, आपके सर्विस सेंटर्स में काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, आपकी आफ्टर सेल्स में बहुत दिक्कतें आई लोगों को, अपडेट्स किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि ऑफ लेटली तो ये हाल था कि हर माइक्रोमैक्स का अगर दो चार उठा लो हर फोन में अलग आपको यूजर इंटरफेस मिलेगा, तो एक वो प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम से घिरा हुआ है माइक्रोमैक्स इस टाइम। अब उनके लिए देखने वाली बात ये है कि 19 में क्या वो उन सबको इस भवंडर से कैसे निकल, इस भवंडर से वो निकल पाएंगे कि अभी भी वो उस पर फंसे रहेंगे। जी बिल्कुल, मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर कोई कंपनी किसी साल में या किसी भी ड्यूरेशन में नए फोन्स नहीं ला रही है कोई बात नहीं, लेकिन उसको जो चीज़ देनी है जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनकी नीड्स का ध्यान रखा जाए, जिस मामले में माइक्रोमैक्स काफ़ी पिछड़ता हुआ नज़र आया, फोन्स में अपडेट्स नहीं आए, बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो अभी एंड्रॉयड 6 यूज़ कर रहे हैं और उनके पास ये अपडेट नहीं आए, एंड्रॉयड 7 के स्टार्टिंग वाले वेरियंट वर्जन्स उनके पास हैं, उनके पास भी अपडेट ना आए, हैंडसेट लॉन्च हो सकते हैं नए, नहीं भी हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन अपडेट जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है उसका हक है, उस चीज़ में माइक्रोमैक्स पिछड़ता हुआ नज़र आया 2018 में, ये एक सबसे बड़ी कमी थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फैजल 2019 के लिए आपका आउटलुक क्या है माइक्रोमैक्स के लिए? देखिए माइक्रोमैक्स को 2019 मुझे लगता है एक प्रोबेबली लास्ट ईयर होगा जब उनको सच में यू नो रीपरफॉर्म करना होगा जी। सो जैसा मैंने एक पिछले वाले हमने एक रिपोर्ट कार्ड में बात की कि इस वक्त मार्केट इज़ अबाउट री इंजीनियरिंग ऑफ मार्केट जी। तो री इंजीनियरिंग तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आपके पास स्ट्रांग टेक्निकल स्किल्स ना हो, आपके पास अच्छा स्ट्रांग R&D ना हो, आप सिर्फ सप्लाई चेन के भरोसे नहीं रह पाओगे, तो वो चेंज करना पड़ेगा माइक्रोमैक्स को, उसमें ज़रूरी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सेकंड मतलब दूसरा ये है कि अपने प्रोडक्ट प्लान और उसको थोड़ा और रोबस्ट बनाना पड़ेगा। तो अभी आई वुडंट से कि माइक्रोमैक्स को टॉप 10 और उसमें उस रेस में लगना चाहिए, उनको पहले एक स्ट्रॉन्ग फुट, एक बेस बनानी पड़ेगी 2019 में, उधर ही उनका फोकस रहना चाहिए। हाँ, एक जो पिछले बार भी हमने कभी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि जियो फोन में जो एक जो फीचर फ़ोन टू स्मार्टफोन अपग्रेड का एक चांस है जी, उसमें माइक्रोमैक्स का भी एक रोल हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है, मुझे नहीं अभी पता वो उसके बारे में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, हो सकती है नहीं हो सकती है। तो ये है जो मुझे लग रहा है 2019 में उनको एक मॉडेस्ट प्लेयर की तरह रहना चाहिए। राइट, आपका आउटलुक क्या है 2019 के लिए? मतलब जैसे फैजल ने कहा ये जो 2019 है वो माइक्रोमैक्स के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, अगर उन्होंने परफॉर्म इस साल कर दिया नेक्स्ट ईयर तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, मतलब थिंग्स विल गेट वेरी मेसी फॉर देम, क्योंकि अब हाई टाइम है, आप एक साइड पे आप कंपटीशन देख लो आप इतना बढ़ चुका है कि उसमें आपको सर्वाइव करना एक चैलेंज है आज के टाइम पे, कि आपको वो स्पेक्स लाना है वो प्राइस पॉइंट पे और आफ्टर सेल्स सर्विस हिसाब से देनी है, आपको पूरा पैकेज हिसाब से देना है, वो माइक्रोमैक्स का एक टाइम में बहुत अच्छा पॉइंट था, प्लस पॉइंट था, बाकी ब्रांड्स
को उसने ओवरटेक किया था इस जब जब नोकिया का गैप आया था, और जब सैमसंग को टक्कर देने वाला एक ब्रांड माना जाता था कि जो सैमसंग को अच्छे से टक्कर दे सकता है वो माइक्रोमैक्स है, लेकिन वो जो उसकी जो क्रेज था, जो उसका जो ग्लोरी थी, वो सब उसने खो दिए जी हाल के कुछ दिनों में। बट अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो कंपनी दोबारा से उस चीज़ को बिल्डअप कर पाएगी, क्योंकि और क्या वो कंज्यूमर्स का जो उनके जो यूजर्स हैं एग्जिस्टिंग, जो उनसे इतने परेशान हो चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि हम आज के बाद कभी माइक्रोवेव का फ़ोन यूज़ ना करूँगा, क्या वो दोबारा उन पर स्विच करवा पाएगा कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। राइट 2019 का मेरा आउटलुक माइक्रोमैक्स के लिए ये है कि उनको पहले क्वार्टर में यानी कि जनवरी से मार्च वाले महीनों में उनको अपनी पोजिशन को सबसे पहले सॉलिडिफाई करने की जरूरत है। इनोवेशंस के लिए नहीं जाना है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, हैंडसेट राइट टाइम पे लॉन्च करें जो भी पाइपलाइन में है, और जितना हो सके लेटेस्ट हैंडसेट्स लॉन्च करें। उसके अलावा अपडेट साइकिल को अपना इंप्रूव करें, आफ्टर सेल सर्विस को इंप्रूव करें। जो बेसिक एलिमेंट्स है जो कंज्यूमर सबसे पहले चीजें देखता है, इन चीज़ों को पहले सीमेंटिंग करें अपनी पोजीशन, उसमें जितना पैनापन ला सकते हैं वो लेकर आए। सेकंड क्वार्टर से अगर ये चीज़ें उनकी सही हो जाती हैं तो सेकंड क्वार्टर से आई थिंक दे कैन स्टार्ट लुकिंग एट इनोवेशन, लेकिन ये सब डिपेंडेंट है फर्स्ट क्वार्टर पे। और उसके बाद जिस चीज़ के लिए माइक्रोमैक्स जाना जाता था कि वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेज एट द राइट प्राइसेज, उसके बारे में सोच तो सकता है, लेकिन उससे पहले जो हमने बोला कि क्वार्टर वन में जो उसको चीज़ें सुधारनी है वो कर ले, तो आई थिंक माइक्रोमैक्स इज बैक ऑन टारगेट। लेकिन 2019 एक इम्तिहान की घड़ी होगी माइक्रोमैक्स के लिए, अब देखना है कि वो इस इम्तिहान में पास होगा, फेल होगा या कंपार्टमेंट मिलेगी। तो इसके साथ हमारा ये वाला रिपोर्ट कार्ड यहीं ख़त्म होता है, रिपोर्ट कार्ड 2018 माइक्रोमैक्स का। अगर आपके कोई सवाल हैं जिनका जवाब चाहते हैं कि हम आपको दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, हम आपको उसका जवाब देंगे। सो इसके साथ मुझे फैजल को और रोहन को इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, नए रिपोर्ट कार्ड के साथ। Wow.